हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की, तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा साइज कैसे बढ़ेगा, या फिर हम अपने साइज को कैसे लीन करें, मतलब अपने मसल को कैसे मैच्योर करें। ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि हम लोग ना किसी कोच से पूछते हैं, ना हमारा कोच जनरली गाइड करता है कि हमें साइज ही सही नहीं, हमें मस्कुलैरिटी से नहीं, हमें ओवरऑल बॉडी की हेल्थ से मतलब है। कि मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि हम जिम जाके तकड़े हो रहे हैं, या जिम जाके हम रिप्ड तो हो रहे हैं लेकिन हमारे जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या हमारे बैक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी हम थाई लेग्स मार रहे हैं तो हमारे जो कब्जे हैं, जो हमारे घुटने हैं वो कड़कड़ बोल रहे हैं। तो ये मेन चीज़ होती है कि आप बॉडी बिल्डिंग में अपनी ओवरऑल हेल्थ को ही इम्प्रूव करें, ठीक है, साइज नहीं। अगर क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग हमसे भी बोलते हैं कि साइज बढ़वा दो, ऐसी चीज बता दो, ऐसी गोली बता दो जो साइज बढ़ जाए। भैया गोली तो बता देंगे और साइज भी बढ़ जाएगा, साइड इफेक्ट भी तो है ना। ओवरऑल क्या है कि हमें सारी चीज कवर करनी है, क्योंकि सब कुछ ओके रहे। देखो हम लोग क्या ना, हम लोग पिट पिट के ये सारी चीजें सीख चुके हैं। अब जो आज हम सीखे हैं, कल इससे ज्यादा सीखेंगे, आपको और ज्यादा बताएंगे और रिसर्च करेंगे और आपकी नॉलेज और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपके लिए आज हम क्या लेके आए हैं और उसकी क्या बेनिफिट है, कितने रुपए की है, आपको कैसे डोजेस लेने, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे आज हम। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are... तो my friends, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लो आप वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट में आपकी क्या क्या चीजें चलती है। वर्कआउट में आपकी जॉइंट रन करेंगे, आपके जो मसल फाइबर्स रन करेंगे। तो ऐसे में इसको हम कैसे हेल्दी बनाएं। मान लो अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, और अगर आपके पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं आपके शोल्डर जॉइंट में, इधर जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कड़कड़ की आवाज आ रही है, तो आप कर पाएंगे? आप लगता है कि आप ये चीज कर पाएंगे? आप इतना भी ठूसे जा रहे हैं, सारी चीज खाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपकी कड़कड़ की आवाज आ रही है, इसमें ड्राई हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन ऐड करनी है जो आपको मात्र 400 रुपए में पड़ जाएगी पूरे महीने की। तो उस मेडिसिन का क्या नाम है, ग्लूकोसामाइन। कोई ग्लूकोसामाइन कहता है, कोई ग्लूकोसामिन कहता है। मैं डायरेक्ट आपको दर्शन करा देता हूँ कि प्रोडक्ट क्या है, और क्योंकि मेरा जो मोटिव रहता है कि आपको बेस्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट, तो बेस्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपको देगा टाटा 1MG। और मैं आपको पहले बता दूं, टाटा की जैसी गाड़ियां हैं ना ट्रस्टेबल, ऐसे टाटा के सारे ही प्रोडक्ट ट्रस्टेबल हैं। मैं बता रहा हूँ, टाटा पे आप बिलीव कर सकते हैं, टाटा की मेडिसिन पे भी बिलीव कर सकते हैं। तो वो मेडिसिन है ये, कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है, और इसमें नॉन GMO है ये, इन्होंने मेंशन भी कर दिया, ऐसी कोई कंपनी मेंशन नहीं करती, सारी चीज़ें इनके पास, ठीक है। सोया फ्री है, सोया से किसी को इशू हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दिया है। सारा प्रोडक्ट ये इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जरूरी जिम वाले जिनके जॉइंट में पेन वगैरह भी होता है वो भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट नॉनवेज है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप देख सकते हैं इसमें मार्क है, 30 टैबलेट्स होती है, नॉनवेज प्रोडक्ट है ये। रेड का मतलब होता है नॉनवेज प्रोडक्ट, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ग्रीन का मतलब होता है वेज प्रोडक्ट, आपको इतनी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अब इसको लेना कैसा है और इस ये काम क्या करती है। जब आप इस टैबलेट को लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी जो बॉडी के अंदर से किसी भी वजह से जो फ्लूइड्स होता है, जो ग्रीस होता है, जो कम होने लग जाता है, बेसिकली कैल्शियम जो कम होने लग जाता है, उसको ये फिल करता है लिक्विड कैल्शियम को। और जब फिल करेगा तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ईजिली चलेंगे। अगर आपके जॉइंट ईजिली चलेंगे, आप मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा, क्योंकि कट कट की आवाज़ आ रही, तो आप क्या होगी, यार मेरे तो ये घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे तो ये हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है मेंटेन रहेगी आपकी। तो ये इसका इसका वर्क है। अब इसको लेना कैसे, अगर आप एज ए सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप स्ट्रॉन्ग ही बने रहे, तो आपको दिन की एक टैबलेट करनी है। आप ब्रेकफास्ट के बाद इसको टैबलेट को ले सकते हैं वाटर के साथ। अगर आपको इश्यू शुरू हो चुके हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने कोच से सलाह लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से इसको ऐड कीजिए अपनी डाइट के अंदर।
मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है तो आप इसको दिन में 2 टैबलेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप ब्रेकफास्ट के बाद में, और आप उसको लंच के साथ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आपको कोई इशू है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपनी बॉडी के अंदर ड्राइनेस को, अगर आप ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको इस किसी तरह की पिल ले रहे हैं, आपको नहीं करनी। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आप क्लीन विड्रोल अगर ले रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगर आपकी जॉइंट में इशू आ रहा है तो आप क्लीन विड्रोल को कट कीजिए और उसकी जगह इसको ऐड कीजिए, बॉडी आपके कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लीजिए 30 डेज लीजिए, फिर दोबारा से आप अपनी कटिंग या जो भी आप अपना शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रांग रखेंगे, बॉडी की वाट नहीं लगानी, बॉडी को स्ट्रांग करना है, तो आप ये ग्लूकोसामाइन ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, अदरवाइज अगर आप कोई चीज़ समझे नहीं है, आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप जब फ़ोन करते हैं ना टाइम देख के थोड़ा फ़ोन कीजिए, कई बार मेरे पास रात को 12 बजे फ़ोन आ जाते हैं, कई बार अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आ जाते हैं, और कई बार मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाता तो मेरे पास 4-4 फ़ोन रेगुलर कंटिन्यू एक ही बंदे के 4-4 फ़ोन आ जाते हैं। ऐसे तो ना कीजिए, हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, किसी के साथ बैठा हूँ, हो सकता है मैं शूट ही कर रहा हूँ, है ना, और आप 4-4 कॉल एक साथ कर रहे हो, फिर बोलते सर आप तो आंसर नहीं करते। सर आंसर नहीं करता आप कैसे 5 मिनट में डिसाइड कर रहे हैं, मैं कॉल बैक करूँगा ना, अगर आप मैं आप अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट है, आपको फेस इशू कोई इशू आपके साथ आ रहा है तो आप व्हाट्सअप डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूँगा ना, ऐसे थोड़ी है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ भाई, मैं टाइम निकाल के सबको एक एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, आप बाहर से जो आउटर उसको ना देखिए, अंदर से अपने ऑर्गन को स्ट्रांग रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, आपका भाई आपके लिए आज फिर एक नई मेडिसिन लिया है, थैंक यू।